लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा ने बताया कि कल तक हमारे पास डेंगू के 15 रोगी थे। गुरुवार को 4 मरीज और बढ़ने से संख्या 19 हो गई, जो कि अर्बन क्षेत्र में 4 थे, जिसमें गुरुवार को एक डेंगू का मरीज मिलने से उनकी संख्या 5 हो गई। माट नौझील में 1, राया में 1, राल में 2, गोवर्धन में 4, 3 और ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर कुल संख्या 19 हो गई। अब हर मरीज को ट्रैक किया जा रहा है। यूबीएसपी पोर्टल पर सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि मरीज की जो भी संख्या आख्या है वह उसे पोर्टल पर डालेंगे, जिसका सिद्धांत है कि हर मरीज को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पकड़ा जा सके। हर मरीज के यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम है, लगातार पहुंच रही है, साथ ही खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी सभी क्षेत्रों में दौरा कर मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए साफ सफाई हेतु नगर निगम का सहयोग लगातार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायती राज से अनुरोध कर सहयोग लिया जा रहा है, साथ ही साथ एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। फंगिंग भी सभी क्षेत्रों में लगातार की जा रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। कल तक हमारे 15 रोगी थे और वो 15 जो रोगी थे हमारे, वो अर्बन क्षेत्र में हमारे 5 थे, 4 थे, एक आज आया, 5 हो गए। इसके अलावा माट नौझील में 1-1, राया में 2 हो गए हैं, राल में 4 हैं, गोवर्धन में 3 हो गए हैं। अब तो इस तरह से ब्लॉक में भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, शहरी क्षेत्रों में भी है। टोटल 19 हमारे केसेस पॉजिटिव आए हैं। जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम? देखिए, मरीजों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अब हर मरीज को ट्रैक किया जा रहा है। एक यूडीएसपी पोर्टल है, अगर मरीज जांच में पॉजिटिव आता है तो सभी की जिम्मेदारी है। आईएमए को भी सतर्क कर दिया गया है, सभी लैब्स को सतर्क कर दिया गया है। उस पोर्टल पर वो अपनी जो भी आख्या है मरीज की डालें, तो चूँकि हर मरीज ट्रैक हो रहा है, सिद्धांत हमारा यही है कि हर मरीज को हम पकड़ें और पकड़ने के बाद उस क्षेत्र में हम जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है सभी विभागों के साथ मिलकर वो वहाँ पर हम पूरी तरह करें। हर मरीज़ के यहाँ हमारी टीमें जा रही हैं, स्वयं मैं अभी तक कल तक गया हूँ, सारे जो 15 मरीज हैं सभी मेरे द्वारा देखे गए हैं क्षेत्र में जा कर के। और सफाई व्यवस्था के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम हम लोगों को लगातार सहयोग कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बार बार हम पंचायती राज से अनुरोध कर रहे हैं। आज भी सीडीओ सर से, मुख्य विकास अधिकारी सर से इस पर लंबी चर्चा हुई है और जो हमारे 15 केसेस ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं उन सभी पर कार्रवाई के लिए उन्होंने संबंधित को निर्देशित कर भी दिया है। सफाई व्यवस्था उनके माध्यम से करानी है, एंटी लार्वा का छिड़काव कराना है और फॉगिंग सायंकाल में करानी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर निगम से हमको लगातार सहयोग मिल भी रहा है। अभी तक कितने मरीज सही हुए? 19 मरीज हैं, कल तक 15 थे, 15 के 15 मेरे सारे सही हैं। आज के 4 अभी टीमें मैंने भेज रखी हैं, शाम तक रिपोर्ट आएगी। आज और क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य थे मैं स्वयं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन डेफिनेटली सायंकाल तक मैं भी इनमें विजिट करूँगा और उम्मीद है ये भी सब ठीक ही होंगे। डेंगू को लेकर क्या जिला अस्पताल में भी कुछ खास नीति? सभी अस्पतालों में, जिला अस्पताल में 5 बेड की व्यवस्था, कंबाइंड हॉस्पिटल में 20 बेड की व्यवस्था और हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ 24 घंटे हम लोग सुविधा दे रहे हैं वहाँ पर 5 बेड की व्यवस्था कर रखी है, मच्छरदानी युक्त। टीमों की बात करें, कितनी टीम है? हर ब्लॉक स्तर पर हमारे MOIC इसके नोडल होते हैं, 1 BCPM, 1-2 सुपरवाइज़र, 1 या 2 जैसी उपलब्धता है BSW या हेल्थ वर्कर या सुपरवाइज़र, और साथ साथ 1 लैब टेक्नीशियन। ये हमारी टीमें हर ब्लॉक पर हैं, वो वहाँ जाती हैं। आशा के माध्यम से हम निरोधात्मक कार्रवाई, लार्वा डिटेक्शन, सोर्स रिडक्शन, ये सारी कार्रवाई करा रहे हैं। जिस क्षेत्र में भी डेंगू मिला है या अन्य क्षेत्रों में भी लगातार प्रयास ये हैं कि लार्वा को आइडेंटिफाई करते हुए, जैसे लार्वा की रहने की संभावना ताजे पानी में रहती है, जिसमें महत्वपूर्ण है हमारा फ्रिज के अंदर की ट्रे, महत्वपूर्ण है हमारा गमलों वगैरह में, टायरों में पानी के इकट्ठा होना, महत्वपूर्ण है हमारा इसके अतिरिक्त कूलर के पानी, वो बदलता रहना चाहिए। तो लगातार हम लोगों ने निर्देश दे रखे हैं और आशा बहनें हमारी
जा भी रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी इसमें सहयोग के लिए लगातार उनसे संपर्क करके अपेक्षा की जा रही है, उनके अधिकारियों को बताया जा रहा है कि वो भी इस कार्य में लगें। तो जागरूकता और सोर्स रिडक्शन, लार्वा आइडेंटिफिकेशन, ये तीन काम हमारे आशा बहनों के माध्यम से कराया जा रहा है। हमारी टीमें जा रही हैं, टीमें जो जिला स्तर से जा रही हैं वो टीमों के द्वारा हम लार्वा के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, इंडोर स्प्रे। कितनी टीमें हैं? दो टीमें लगातार हमारी भ्रमण कर रही हैं। ठीक है। सुन बात मेरी, घर घर घर, तू घर से निकल, निकलना जरा, सामने हो खड़ा, घर से नजर मिला, अब बता ये है क्या तेरा, या किराएदार तू, कभी अरमान नहीं आया के बने लैंडलॉर्ड तू? पर ऐसा नहीं है बॉस, के घर ना मिले, चाहे खुली हो या फ्लैट, जो चाहिए तू ले ले। IIFL होम लोन लाए हैं 30 लाख तक के, इजी होम लोन सिर्फ 30 मिनट में, आसान डिजिटल प्रोसेस और कोई हिडन चार्जेस नहीं। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा OPD सुविधा उपलब्ध है। हमारे यह ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, OT, एक्सरे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे मथुरा। दूरभाष 7009908005983070700007। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा, मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम, आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।